चाइना शर्मा हत्याकांड के खुलासे को लेकर ब्राह्मण समाज ने ठाकुर बाबा मंदिर पर सम्मान समारोह का किया आयोजन। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया सहित पुलिस स्टाफ का किया सम्मान। बैराड में बीते 10 अक्टूबर को बहुचर्चित चाइना शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने बीते 10 जनवरी को 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया था, जिसमें 2 शेष आरोपियों को पुलिस ने 16 जनवरी को दबोच लिया था, जिसके बाद बुधवार को बैराड ठाकुर बाबा मंदिर पर ब्राह्मण समाज बैराड ने पुलिस स्टाफ सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक शिवपुरी रघुवंश सिंह भदौरिया, एसडीओपी पोहरी सुजीत सिंह भदौरिया सहित बैराड थाना प्रभारी नवीन यादव सहित पुलिस स्टाफ पहुंचे, जहां ब्राह्मण समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक एसडीओपी एवं अन्य पुलिस स्टाफ का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। बता दें कि बैराड पुलिस द्वारा करीब 2 माह तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं कर सकी, जिसके बाद एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया ने 4 टीमें गठित कर इस संपूर्ण लूट हत्याकांड का खुलासा किया है। कार्यक्रम में एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया बोले, आपके द्वारा किया गया सम्मान हमें एक जिम्मेदारी के साथ जोड़ता है, आपका विश्वास अर्जित कर सके और आपके विश्वास पर खरे उतरे। वहीं थाना प्रभारी बैराड बोले, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा रिपोर्ट। गंभीर केस, इससे पहले 16 साल की नौकरी में कोई ऐसा केस नहीं आया, एक चुनौती थी हमारी, लेकिन एसपी साहब के मार्गदर्शन में और श्रीमान एसडीपी साहब के बिल्कुल मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहा और एसडीपी साहब के साथ हमने लगातार काम किया, मेहनत के लिए समझ स्टाफ ने, और उसका नतीजा रहा कि आज हम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं ये सम्मान पाने के लिए और इसको केस को सॉल्व किया। अब केस सॉल्व होना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है उन आरोपियों को सजा दिलाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम एसपी साहब से मिलकर और अपने हमारे डीपीओ साहब जो सब रहते हैं सबसे मिलकर केस को इतना मजबूत बनाएंगे कि उन आरोपियों को आजीवन कारावास मिले। उनका शीर्ष नेतृत्व की रहती है, हमारे एसपी सर जब भी ये मामला हम उनके सामने रखते थे, ये आर्टिकल हमारा होता है सुबह सुबह, तो छोटी सी लाइन बोलते थे हम लोगों से इस बारे में, हालांकि तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो इस मामले में, कुछ नहीं कर रहे हो तो वो जो लाइन थी वो पिंचिंग थी लाइन हमारे लिए, हमारी प्रोफेशनल जो कॉम्पिटेंसी होती है उस पर प्रशंसन लगा रही थी कि यार ऐसा क्यों नहीं कर पाए। मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई इतनी बड़ी घटना होती है लूट और मर्डर की, वो भी दिन दहाड़े, हमने यहाँ बहुत सारे अधिकारी जो यहाँ पहले पदस्थ रहे थे एसडीओपी टीआई लोगों से भी बात की कि आखिर ऐसा बैराड कस्बे में कैसा हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं होता, लोकल का ही कुछ होगा, तो हम उनसे संपर्क में भी थे और कहीं ना कहीं हमारे कंधे पर हमारे जहन में ये एक बोझ सा था कि यार ये मर्डर कैसे ट्रेस नहीं हो पा रहा। अभी कुछ उनसे पहले जो वक्ता थे वो बोल रहे थे कि थोड़ी सी लाइन जो कहती है इन्वेस्टिगेशन जो लाइन थी वो रास्ते से हम लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड हुए कि नहीं ये इसमें स्मैक पीने वाला कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, उसमें हमने बहुत अपनी ऊर्जा लगाई, लेकिन पुलिस को चूंकि इस मामले की पुलिस की वैधानिक ड्यूटी है, पुलिस का कर्तव्य है कि इस मामले को ट्रेस करे, लोगों का विश्वास जीते। कई बार आप लोग हमारे आमने सामने हुए, आप लोग बैठे, हमने आपको मनाया, इस तरह की नोकझोंक भी हुई, उसमें हमने अपना यही बात बार कही, बार बार कही कि हमारा विश्वास रखिए, हम आपको सामने आरोपियों को लेकर आएंगे, तो आपने उस विश्वास पर हमारा ये मान रखा कि नहीं आप कह रहे हैं तो ये बात 100% ये मामला ट्रेस होगा, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग मामला था और हम लोगों के पास कोई क्लू नहीं था, क्लू लेस मामला था, उन्होंने इवन सीसीटीवी कैमरों को भी अवॉइड किया था, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ब्लाइंड मर्डर के साथ साथ में ब्लाइंड ट्रेसिंग जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन पुलिस की पूरी टीम और जो हमारे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जो पीछे की पंक्ति के लोग होते हैं उनकी बड़ी अच्छी भूमिका रहती है पूरे मामले में, उन्होंने भी इतनी अच्छी भूमिका निभाई और श्रीमान एसपी सर का लगातार इस मामले में हमें गाइडेंस मिला और आप लोगों का ये सम्मान हम लोगों के साथ में एक जिम्मेदारी और जोड़ता है कि हम आपका जो विश्वास है इसी तरह से अर्जित करते रहें और आप लोगों के विश्वास पे खड़े उतरें। और मैं अपना विश्वास दिलाता हूँ, अभी हमारे टीम के दबाव से जो बैंक में जो उन्होंने पूरा गोल्ड जो रखा था वो देने को तैयार हो गए हैं पूरा, तो इस तरह से इस मामले में आगे की जो कड़ियां हैं, इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा प्लान है, इवन टीआई साहब ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपने मौके पर पूरी उपस्थिति दिखाएं, पूरा जो साक्ष्य है उनमें हमने परिवार के लोगों को साथ में लिया है, पूरे साक्ष्य में यही लोग गवाह हैं, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें 100% कन्विक्शन हो और जो कन्विक्शन में जो पूरी धाराएं हैं उसी के आधार पर कन्विक्शन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।